अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास अरशद फ्रॉम टेक क्रेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक काफी अलग किस्म के वाईफाई राउटर के बारे में बात करने वाले हैं। यह है भाई NBNet NB01 वाईफाई कमर्शियल राउटर, और ये राउटर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, कोई होटल हो या जिम हो, अब उसके अंदर इस राउटर को लगाएंगे और इसके अंदर काफी सारे ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो आपके बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे ये हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने में, सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्विकली इसके अंदर 2-3 बॉक्स कंटेंट्स आते हैं, उनको एक नजर देख लेते हैं। ओके जी, तो ये है NBNet NB01 वाईफाई राउटर का बॉक्स, और भाई यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मेंशन भी किए गए हैं बॉक्स के ऊपर, आप देख भी सकते हैं। और मजीद भाई बैक साइड पर भी कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। इसको जल्दी से खोलते हैं भाई, और बॉक्स को ओपन करते ही अंदर सबसे ऊपर हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद इसके अंदर बॉक्स में कुछ वाईफाई स्टिकर्स आते हैं। ये स्टिकर्स आप अपने बिजनेस की वॉल्स के अंदर या टेबल्स के ऊपर चिपका सकती हैं, और ये कैसे हेल्प करेंगे आगे चल के इनको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद भाई बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है 12 वोल्ट का एडाप्टर, और इसी के जरिए राउटर को आप पावर देंगे। उसके बाद एक गीगाबिट ईथरनेट केबल मिल जाती है, और एट दी एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है NBNet NB01 राउटर, जो कि भाई फर्स्ट लुक के अंदर काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर आ रहा है, और 4 एंटीनाज इसके अंदर मिल जाती हैं। अब दिखने में ये एक नॉर्मल होम वाईफाई राउटर लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये है एक कमर्शियल राउटर जिसको आप डेफिनेटली अपने बिजनेस के अंदर यूज करेंगे, और ये बिजनेस ओनर्स के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। लेकिन कैसे, इसके साथ ये जो स्टिकर्स आते हैं ना, फ्री वाईफाई जिनके ऊपर लिखा गया है, इन स्टिकर्स को आपने अपने बिजनेस के अंदर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट ऑन करते हैं, तो आपने वॉल्स के ऊपर या टेबल्स के ऊपर डिफरेंट ऐसी लोकेशंस के ऊपर जहां ज्यादा लोग बैठते हो या गुजरते हो, वहां पर इसको लगा देना है। ये साइन लोग पढ़ेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका रेस्टोरेंट फ्री वाईफाई ऑफर कर रहा है। अब डेफिनेटली पाकिस्तानी कस्टमर्स फ्री इंटरनेट देखकर नहीं रह पाएंगे, और वो लाजमी उसको कनेक्ट करना चाहेंगे। और जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे ना, उनको कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी और एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट उनको देखनी पड़ेगी, और वो आपके रेस्टोरेंट की ऐड होगी। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की ऐड लगा सकते हैं, या चाहे तो पूरे रेस्टोरेंट की ऐड लगा सकते हैं, या किसी भी नई प्रोमोशनल ऑफर की ऐड लगा सकते हैं, और उनको वो पूरी ऐड देखनी पड़ेगी। उसके बाद वो फ्री इंटरनेट यूज कर पाएंगे, यानी अपना कोई भी काम कर पाएंगे, चाहे उन्होंने कुछ डाउनलोड करना है या नॉर्मल इंटरनेट पर सर्फिंग करनी है। लेकिन उसके लिए उनको सबसे पहले आपकी ये ऐड लाजमी देखना पड़ेगी। लेकिन मकसद ये होगा भाई, कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस के अंदर आपके रेस्टोरेंट की कुछ मेन इमेज और कुछ ऐसी आने वाली प्रोडक्ट्स जो आप ऐड के ऊपर शो कर रहे होंगे उसके जहन में रह जाएंगी, और वो आगे रिकमेंड करेगा। अब ये तो एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, चाहे आप जिम ऑन करती हैं, चाहे कोई होटल ऑन करते हैं, चाहे एक शॉपिंग मॉल के अंदर आप इसको लगाना चाहते हैं, ये इसके भाई बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, और मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर ये राउटर बहुत हेल्प कर सकता है आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में। अब सबसे पहले आपने इस राउटर को इसके साथ आने वाले पावर अडेप्टर के साथ कनेक्ट करना है, और भाई इसको जैसे ही आप पावर देंगे ना, उसके बाद आपने इसको सबसे पहले कन्फिगर करना है। अगर आपको राउटर की कन्फिगरेशन नहीं आती, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जिसमें इसी NBNet NB01 राउटर की मुकम्मल कॉन्फिगरेशन का आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, और वहाँ से देखकर आप इसको इजीली कन्फिगर कर पाएंगे। मुकम्मल तरीके से अपने इंटरनेट के साथ कॉन्फिगरेशन करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हमने ऐड को लगाना किस तरह से है, तो भाई उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन पर दिए गए एक लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप कुछ ऐसे पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर साइन अप कर लेना है आपने कुछ बेसिक डिटेल्स डालकर, और भाई ये राउटर का मैक एड्रेस भी यहाँ पर आपने डालना है, जो कि आपको राउटर की बैक साइड पर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाए, यानी साइन इन आप कर लें, तो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर दिए गए पोर्टल वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप सारे एड्स को लगा भी पाएंगे और नए एड्स क्रिएट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपने न्यू एड्स पर आ जाना है, और यहाँ पर भाई काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी टेम्पलेट या जो भी डिजाइन आपको पसंद आया आपने उस पर क्लिक करना है, और भाई अपना लोगो आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके नीचे आपने वो ऐड वाली फोटो लगा देनी है, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, या टेक्स्ट भी जो लिखना चाहते हो आपने टाइप कर देना है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो भी बंदा वाईफाई के थ्रू भाई आपका ये राउटर कनेक्ट करेगा, तो उसको सबसे पहले ये वाला पेज शो होगा, तो उसके बाद फ्री इंटरनेट एंजॉय कर पाएगा। एक और फीचर जो आपको इस राउटर के अंदर मिल रहा है, वो भी बहुत कमाल का है भाई, और वो है इन स्टोर बिजनेस एनालिसिस। यानी जो भी कस्टमर आपके स्टोर पर या आपके बिजनेस पर आएगा, उसके बाइंग बिहेवियर को भी ये जज करेगा, और आपको एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा भाई मंथ के एंड में या ईयर के एंड में इतनी प्रोडक्ट्स का ये रिजल्ट रहा है। अब ये कुछ वो चीजें हैं जो कि आपका नॉर्मल होम
राउटर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके जहन में कुछ ऐसी चीजें आ रही होंगी कि भाई इसके अलावा इसके अंदर और हमारे नॉर्मल होम राउटर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, इस राउटर के साथ आप एट द सेम टाइम 256 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो या लैपटॉप्स हो, 256 डिवाइसेस इस राउटर के साथ सेम टाइम पे कनेक्ट हो सकती हैं, जबकि आपके नॉर्मल होम राउटर के साथ आई थिंक 4 या 5 डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर भाई ये आपको एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन मिल रहा है कि आपके पास कोई बिजनेस है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली लोग आते रहते हैं तो ज़्यादा तादाद के अंदर लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये नंबर आपके लिए कम है तो इसमें मैश नेटवर्किंग का फीचर भी मिल जाता है, यानी आप सिमिलर ऐसा एक और राउटर परचेज करके इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकती हैं और ये डिवाइसेस का नंबर भी डबल हो जाएगा और इसी तरह से इसका कवरेज एरिया भी बहुत बढ़ जाएगा। अब कवरेज एरिया नॉर्मल होम राउटर का 50 से 100 स्क्वायर मीटर के दरमियान होता है, लेकिन ये वाईफाई राउटर, एक सिंगल राउटर आपको 1000 स्क्वायर फीट का कवरेज एरिया दे रहा है, तो बहुत दूर तक इसके सिग्नल स्प्रेड होंगे और बिल्कुल स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। नॉर्मल जो घर के अंदर आप राउटर इस्तेमाल करती हैं वो वाईफाई 4 की टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो कि 2007 या 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन भाई इसके अंदर आ रहा है वाईफाई 6 जो कि रिसेंट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाईफाई की, तो इसके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि इंटरनेट स्टेबल रहेगा, स्पीड बिल्कुल बराबर मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी रहेगी डिवाइसेस के अंदर, और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन ऑन करती हैं तो ये राउटर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसके अलावा इस राउटर के अंदर क्वालकॉम की चिप मिल रही है और 512 MB की मेमोरी मिल रही है, और इस मेमोरी की मदद से ही भाई आप 256 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर के साथ एक टाइम पे, और ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा नंबर है। अगर आप कोई स्मॉल टू मीडियम बिजनेस करती हैं तो आई थिंक आपके लिए एक राउटर भी इनफ रहेगा। अब इस राउटर के साथ भाई NBNet आपको 24 मंथ की वारंटी ऑफर कर रहा है, यानी कि 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है इस प्रोडक्ट के साथ, और भाई इसके अंदर आपको नेटवर्क की सिक्योरिटी मिलेगी, यानी हाईली सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन आपका रहेगा, ऑनलाइन आपको मजीद सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी मिलती रहेंगी इसकी। उसके साथ साथ भाई ये राउटर आपको काफी डिसेंट प्राइस के अंदर मिल जाएगा, इसकी प्राइस है 24,000 रुपीज, और एक बिजनेस ओनर के लिए आई थिंक ये कोई बड़ा नंबर बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली भाई मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। अगर आप कोई छोटा या मीडियम रेंज का बिजनेस ऑन करते हैं तो आप इस राउटर को लगा सकते हैं, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस है तो मैश नेटवर्किंग थ्रू आप मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट करके अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी कर रखा है तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अल्लाह हाफिज़।